वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक इतिहास रचने का काम किए हैं, जो कभी नहीं हुआ था वो भी बिहार में हो गया। यूपीएससी का परीक्षा जैसे एग्जाम भी पेपर लीक हो गया है, और ये दर्शाता है कि सरकार कितना गंभीर है, खास करके युवा के प्रति, स्टूडेंट के प्रति। इसमें साफ लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है, सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जो लोग इसमें दोषी है, जो लोग गलत किए, उस पर कार्रवाई करे, और सरकार ये सुनिश्चित करे कि बिहार के युवा को कि भविष्य में ऐसा ना हो। उतरे हैं और पूरे बिहार का दौरा लगा हुआ है, और पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं, साथ रहे हैं, चुनाव में तो हार जीत होते रहता है, जो लोग पार्टी के साथ मजबूती से रहे हैं उनके साथ, उनके दुख और सुख में दोनों में हम लोग शरीक होते हैं। और मुखिया जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे राम उमेश जी के पास हम लोग आए हैं, और इसी तरीके से घूम रहे हैं, सब लोगों के बीच में जा रहे हैं, यही है, और संघर्ष कर रहे हैं। बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही बदनाम है, ऐसे में जो है एक बार फिर UPSC का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, क्या कहिएगा इसको लेकर? वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक इतिहास रचने का काम किए हैं, जो कभी नहीं हुआ था वो भी बिहार में हो गया। UPSC का परीक्षा जैसे एग्जाम भी पेपर लीक हो गया है, और ये दर्शाता है कि सरकार कितना गंभीर है, खास करके युवा के प्रति, स्टूडेंट के प्रति। इसमें साफ लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है, सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जो लोग इसमें दोषी है, जो लोग गलत किए, उस पर कार्रवाई करे, और सरकार ये सुनिश्चित करे कि बिहार के युवा को कि भविष्य में ऐसा ना हो। लेकिन हमें लगता है कि अभी सरकार ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी एक समय हो गया है, अभी उनको बिहार के जनता युवा से प्यार नहीं है, उनको अभी अपनी कुर्सी से प्यार है। और आप सबको पता है, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, ये नहीं कि मैं राजनीति में हूँ तो मैं बोलूँ, मैं उनके साथ भी था, 1-1.5 महीना पहले से उनके साथ में ही था। लेकिन ये तो आप लोगों का अंदाज़ा लगता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को किसी भी तरीके से उनको कुर्सी चाहिए, चाहे वो किसी को ब्लैकमेल करे, किसी के सर पे पैर रखे, किसी के जो करना पड़े वो करेंगे, लेकिन वो कुर्सी चाहिए। लेकिन कुर्सी लीजिए, मैं तो मानता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 17-18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास एक अनुभव है, उस अनुभव को प्रयोग करें, उपयोग करें। बिहार में अभी भी उनके पास समय है, 3 साल, 3 साल में बिहार में जो काम उन्होंने 5 से लेकर 12 तक किए थे, वो ऊर्जा के साथ अभी भी काम करें, और कुछ जाते समय कुछ बिहार को कुछ भला करके जाए, कुछ अच्छा करके जाए। लेकिन मुझे वो नहीं उम्मीद आ रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 2012 से लेकर 2022, यानी कि 10 साल, एक दशक जो बीतने के लिए जा रहा है, जिसमें सिर्फ मुख्यमंत्री जी कुर्सी से प्यार कर रहे हैं, कभी RJD के साथ दिखे जाके BJP को परेशान करते हैं, BJP के साथ रह के दूसरे को परेशान करते, किसी भी तरीके से वो ब्लैकमेल करके कुर्सी पे टिके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्वतः वो कुर्सी छोड़ देना चाहिए, या न तो काम करना चाहिए। हम लोग काम करेंगे तो उनको सपोर्ट करेंगे, जैसे हमने कहा ना कि 5 से लेकर 12, 7 साल उन्होंने अच्छा काम किया बिहार में, और आज 10 साल से सिर्फ वो कुर्सी पर बैठे हुए काम नहीं कर रहे हैं, उसको उनको काम करना चाहिए। अब बाकी तो आने वाले समय में आप देखिएगा 2025 में परिवर्तन होगा, जो वो 75 के समय में जो JP मूवमेंट में, जो आंदोलन में जितने नेता थे, चाहे वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, या नीतीश कुमार जी हो, या सुशील मोदी, या मांझी जी हो, सबका रिटायरमेंट का समय 25 लास्ट है। अच्छा, बिहार में कुछ लोग तो रिटायर हो गए, कुछ लोग 25 तक रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद नए जनरेशन बिहार में लोगों का सेवा करेंगे, काम करेंगे, और हम लोगों के ऊपर बड़ा जवाबदेही कंधा पे है कि हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ाएं। बिहार में जो है एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जो है बदलाव देखने को होगा, ऐसा अटकले चल रहा है। ये सब तो चल रहा है, चलते रहेगा, यही तो फैक्ट्री लगने की बात नहीं चल रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होने की बात चल रहा है। युवा को रोजगार देने की बात नहीं हो रहा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होने की बात हो रहा है। लोगों को, गरीब जो अपने परिवार को, अपने बूढ़ा माँ बाप को छोड़कर युवा दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहा है, उसको अपने प्रदेश में काम मिले, वो बात नहीं चल रहा, मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं कि जो हमारे बिहार को पीछे ढकेल रहा है, इसमें वो सब चीज़ तो अपने जगह पे है, वो तो कभी भी होना है, किसी को बता देने की क्या आवश्यकता है। मुख्यमंत्री के पास विशेष अधिकार है, जैसे हमको सरकार से बाहर कर दिए, उनके पास विशेष अधिकार है। जो घर मैंने बनाया, जो सरकार मैं बनाया, उस सरकार का मैं मालिक था, हम लोग पार्टनरशिप पे सरकार बनाए, लेकिन आज एक समय आया कि वो हमको बेदखल कर दिए, हमको भगा दिए वहाँ से। लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास भी था, लेकिन हम मुख्यमंत्री को भगाए नहीं, हम उनको मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन आज वो अपने मंत्रिमंडल से हमको भगा दिए हैं। तो हम लोग संघर्ष करेंगे,
लेकिन कुल मिला कर उनको बिहार के लिए काम करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि उनका अनुभव जो है वो बिहार को उपयोग में आए। थैंक यू।